हेलो रिवान वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द लिम्बिक सिस्टम फ्रॉम ब्रेन तो ब्रेन का एक और इम्पोर्टेंट पोर्सन है कि जिसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम तो ये लिम्बिक सिस्टम के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे पार्ट सिक्स वीडियो लेक्चर में ऑफ दिस ब्रेन एंड इट्स फंक्शन एंड वी आर लर्निंग इन डिटेल अबाउट द नर्वस सिस्टम और हमने स्टार्ट किया है सी एन एस की जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं रिगार्डिंग द लिम्बिक सिस्टम तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर कौन से अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके रिलेटेड जो उनके फंक्शन है वो सभी को जानेंगे हम आज के ये वीडियो लेक्चर में तो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर

कोई भी मोबाइल फोन यूज करते हैं एप्पल आईफोन या फिर आईपैड तो वो आपको ऐप स्टोर पर से मिल जाएगी जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो अभी डाउनलोड करिए ऐप एंड गेट द स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड ऑप्शन आल्सो सो यू विल फाइंड द टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर आल्सो द प्रॉपर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज इन अफोर्डेबल प्राइस दिस ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल ऑनर फॉर्मरूगल नर्वस सिस्टम हम अलग अलग टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं कि जिसके अंदर स्पेशली ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से हमने स्टार्ट किया है कि जो हमारा मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं और तो उसके बाद हम सीखने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में आपको तभी पता चलेगा कि जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा रिगार्डिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिकॉज जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम की जो पेरिफेरल नर्व है वो एंड होती है यहाँ पे सी एन एस के अंदर के समझो कि यहाँ पे हमारे ये फिंगर के पोर्शन के पास जो भी ये पेरिफेरल नर्व है वो आगे जाके उसका जो एंड होगा वो होगा सी एन एस के अंदर वैसे ही सी एन एस में से जो भी ओरिजिन होने वाली जो नाउस से वो आगे जाके एंड होती है यहाँ पे किसी ऑर्गन के पास कि जहाँ पे उसके सेंसेस जो है वो जनरेट करती है तो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों जो हम कहे तो मेनली uh, इन्वॉल्व होते हैं उसके विथ स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन के पास कि जो हमारे आसपास होने वाली जो भी अलग अलग घटनाएं जो भी सेंसेशन है उसको प्रॉपरली सेंसेशन करना मतलब उसका अनुभव करना और उसके सामने जो रिस्पांस जनरेट करने का काम है कि जो हमारे मोटर रिस्पांस हम कहते हैं वो है नर्वस सिस्टम का ये हमने क्लासिफिकेशन सीखा पेरीफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के सिवाय का जितना भी पोर्शन जो है वो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये हमारा ब्रेन की जो है मेन ऑर्गन ऑफ ए सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसके साथ ब्रेन से ही ये नीचे की ओर निकलता है ये स्पाइनल कॉर्ड ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों मिलाकर बनाते हैं हमारे बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो ये था ब्रेन कि ये जो है नीचे की ओर स्पाइनल कॉर्ड का जो रीजन है वहाँ पे जाएगा ये वाला जो पोर्शन हम कहते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं सेरेबलम का पोर्शन फिर ये जो ऊपर का जो पूरा कैप जैसा हम कहे तो उसको हमने सीखा था कि सेरेब्रम कहते हैं और उसके ये जो सेंट्रल फीसर इससे ये सेरेब्रम सेपरेट होता है नीचे की ओर से व्यूज़ देखे या फिर साइड व्यूज देखे उसके तो ये अलग अलग ग्लैंड्स की पीनियल ग्लैंड आपको देखने उनके लिए कि थैलेमस है हाइपोथैलेमस है पिच्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला की जो बनाते हैं ब्रेन स्टेम तो ये सभी को हमने डिटेल में स्टडी किया तो ये थे उसके मेन कंपोनेंट्स नर्वस सिस्टम और उसमें भी ब्रेन और जो ब्रेन है उसके अंदर हंड्रेड बिलियन्स न्यूरॉन प्रेजेंट है एंड जो हम देखें न्यूरोग्लियल सेल तो दस से लेकर पचास ट्रिलियन जितने मेन पार्ट्स है उसके ब्रेन स्टेम डायन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम उसके अलावा भी एक ऐसा पोर्सन है कि जो काफी इम्पोर्टेंट है ब्रेन के अंदर वो कहा जाता है लिम्बिक सिस्टम तो लिम्बिक सिस्टम के बारे में हम आज आ, के ये लेक्चर में स्टडी करेंगे तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द लिम्बिक सिस्टम कि जब समझो कि आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि डिटेल में कि राइट इज शॉर्ट नॉट ऑन ए लिम्बिक सिस्टम कि जब आप केनाटोमी के अंदर या फिर बायोलॉजी के अंदर ये लिम्बिक सिस्टम में से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इवन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड जो है वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस ये नर्वस सिस्टम में से निकलते उसमें से लिम्बिक सिस्टम में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो लिम्बिक सिस्टम इज अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द ब्रेन दैट डील्स विद द इमोशंस एंड मेमरी इट मीन्स द लिम्बिक सिस्टम इज इन्वॉल्व्स विथ इमोशंस एंड मेमरी मतलब कि जो हमारे इमोशंस है हमारे अंदर जो भी इमोशंस है हमारी जो भी भावनाएं होती है अलग अलग इमोशंस होते हैं और हमारी जो मेमरी जो हम कहते हैं कि हमारी जो याद शक्ति है उसके रिलेटेड जो मेन सेंटर्स से है उसके रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स है वो प्रेजेंट होते हैं लिम्बिक सिस्टम में और उनका जो काम होता है कि दे आर डील्स विद द इमोशंस एंड मेमरी इट रेगुलेट द और एंडोक्राइन फंक्शन कि उनका जो काम है रेगुलेशन करना ऑटोनॉमिक और एंडोक्राइन फंक्शन कि जो हमारे ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं एज वेल एज जो एंडोक्राइन फंक्शन कि जो ऐसे है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं कि डायरेक्टली जब समझो कि ये पिच्यूटरी ग्लैंड है तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है कि जो हॉर्मोन्स वगैरह रिलीज करने का काम करती है तो उसके भी फंक्शन का जो रेगुलेशन है वो लिम्बिक सिस्टम करेगा देन रिस्पॉन्स टू इमोशनल स्टिम्यूलिंग इमोशनल स्टिम्यूलिंग एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन रिन फोर्सिंग बिहेवियर इमोशनल स्टिम्यूली एंड रिन फोर्सिंग बिहेवियर की जो हम किसी के भी जो बर्ताव होता है किसी का भी कोई कुछ वर्तन होता है हमारे सामने तो उसके सामने जो भी हम रियक्ट करते हैं वो यहाँ पे रेगुलेट होता है कि इमोशंस हमारे एंड ऑल्सो अबाउट द मेमरी तो वॉट आर द फंक्शंस ऑफ ए लिम्बिक सिस्टम व्हाट आर द फंक्शंस तो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल फैक्टरी विसरल एंड सोमेटिक इंपल्सिस यहाँ पे अच्छे से समझिए इंटीग्रेशन ऑफ ऑल फैक्टरी विसरल एंड सोमेटिक इंपल्सिस कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल कि जब हमें सर्वाइव करना है कोई भी एनिमल है या फिर कोई ह्यूमन है तो समझो कि उसको सर्वाइव करना है तो क्या जरूरत पड़ेगी तो एक हमें सर्वाइव के लिए मेन इंपॉर्टेंट है एक तो फूड एंड सेकंड दैट इज ए वाटर तो फूड की जब हमें भूख लगती है एंड जब हमें प्यास लगती है तो पानी चाहिए और भूख लगती है तो हमें खाना चाहिए तो ये दोनों चीज़ नेसेसरी है फॉर द सर्वाइवल कि जब हमें सर्वाइव करना होता है तो ये दोनों चीज़ काफ़ी जरूरी है तो उसके रिलेटेड जो कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ है कि जब भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं एंड प्रॉपर हमारा सेटिफेक्शन हो जाता है तो हम खाना खाना फिर बंद भी करते हैं या फिर जो भी हमारे लिमिट है उसके अकॉर्डिंग टू हम फूड लेते हैं सेम लाइक दैट वी यूज द वाटर तो वो सब कंट्रोलिंग की जो एक्टिविटीज़ है वो होती है लिम्बिक सिस्टम के अंदर कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़ नेसेसरी सर्वाइवल ऑफ स्पीसी कि जैसे कि फूड वाटर फिर हमारे इमोशनल बिहेवियर्स एंड रिस ऑफ रिजेंट मेमोरीज़ कि जो हमारी मेमरीज है और वो भी रिजेंट मेमरीज इमोशनल बिहेवियर्स की इमोशंस हमारे प्लस रिजेंट मेमरीज की जो हमारी याद सकती है कि जो कुछ भी चीज हम आसपास देखते हैं जो हमारे आसपास जो घटती है या फिर हमारे पास साथ जो कुछ हो रहा है वो सब हमें याद रहता है इवन आप कोई स्टडी करो तो भी आप वो याद रख सके और फिर उसको रीज़न से लेकर लॉन्ग टाइम तक उसको याद रख सके प्लस आपके साथ कोई इंसिडेंस हुआ है तो वो आप याद रखते हैं तो वो सब जो है इन्वॉल्व होते हैं इन ए फंक्शन ऑफ ए लिम्बिक सिस्टम तो अब जो हमें समझना है मेन तो कंपोनेंट्स ऑफ दिस लिम्बिक सिस्टम द मेन पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम आर हाइपोथेलेमस कि लिम्बिक सिस्टम के अंदर एक पार्ट जो इन्वॉल्व होता है वो है हाइपोथैलेमस, फिर लिम्बिक लोब कहा जाता है एक पोर्सन कि जैसे ये फ्रंट लोब है वैसे लिम्बिक लोब कि जहां पे ये पूरा लिम्बिक सिस्टम जो है वो एसोसिएटेड है फिर हिपो फॉर्मेशन एंड हिपो कि ये वाला जो पोर्सन हिपो जो दिखाया है तो हिपो कैंपस का पोर्सन डेलोइड बॉडी की जिसको हम कहते हैं डाला एंड कनेक्टिव पाथवे मतलब कि वो सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट मतलब कि समझे कि ये ऑल फैक्टरी बल्ब है यहाँ पे तो ऑल फैक्टरीज़ तो जो ऑल फैक्टरी बल्ब है कि जो ऑल फैक्टरी नर्व कि जो क्रेनियल नर्व्स जो है टोटल बारह टाइप की उसमें क्रेनियल नर्व है एक उसका नंबर है वन और उसका जो फंक्शन होता है वो स्मेल की जो आइडेंटिफाई करता है स्मेल को तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स ये हमारे लिम्बिक सिस्टम्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाए कि हाइपोथैलेमस ऑल फैक्ट्री अमाइजेडाला हिपोकैम्पस वगैरह जो पोर्सन तो सभी को डिटेल भी आप समझते हैं हम लिम्बिक सिस्टम के अंदर तो सबसे पहले है हमारा पोर्सन की जो हाइपोथैलेमस ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा था हाइपोथैलेमस के बारे में तो जो हाइपोथैलेमस कि यहाँ पे पोर्सन है थैलेमस के नीचे का जो पोर्सन होता है कि ऊपर की ओर थैलेमस का पोर्सन और उसके नीचे की ओर आया ये हाइपोथैलेमस का रीजन तो उसका जो काम था कि रेगुलेट द ग्लैंड सिक्रेशन की जो अलग अलग ग्लैंड्स होती है उसमें भी उसके साथ नज़दीक में है ये पीनियल ग्लैंड है तो ग्लैंड्स का सिक्रेशन को रेगुलेट करना हार्ट रेट को रेगुलेट करना डाइजेशन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लीडर कंट्रोल पिच्यूटरी ग्लैंड रिलीज ऑफ इट्स हॉर्मोन एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर कि ग्लैंड्स के सिक्रेशन को रेगुलेट करना और स्पेशली उसमें भी पिच्यूटरी ग्लैंड तो उसके हार्मोन्स रिलीज करना एंड मेनटेनस ऑफ अवर बॉडी टेम्परेचर कि ऑलरेडी हमने पार्ट फोर के अंदर जब थैलेमस हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया उस वक्त हमने डिटेल में हाइपोथेलेमस को आपको ऑलरेडी समझाया है कि उसके कंट्रोल्स स्पेशली ए एन एस की जो ऑटोनिक नर्वस सिस्टम है कि ऐसे न्यूरोन्स और नर्व्स कि जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ई एन एस का पोर्सन बनाते हैं तो उसका प्रॉपर कंट्रोलिंग है हाइपोथैलेमस के पास कि जो अलग अलग ग्लैंड होती है उसका सिक्रेशन हार्ट रेट का सिक्रे हार्ट रेट का प्रॉपरली मेंटेनेंस uh, करना मेंटेनेंस ऑफ अवर हार्ट रेट डाइजेशंस की जो प्रोसेस है उसको भी वो करता है प्रॉपर कंट्रोल एंड रेगुलेट की जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस है कि जो ये प्रोसेस है कि जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इन इन नेचर हमने कहा कि जो ऐसे फंक्शन होते हैं कि इन वॉलेंटरी नेचर के डाइजेशन तो वो ऑटोमेटिक होता है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है सेम लाइक दैट हार्ट रेट फिर जो हमारा यूरिनरी ब्लेडर है उसका भी कॉन्ट्रेक्शन होना ग्लैंडमेट से हॉर्मोन्स रिलीज होना एंड जब हमारा बॉडी टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है कि जब टेम्परेचर हॉट होता है तब जो है वो फॉर्मेशन ऑफ ए स्वेट की जब हमें पसीना होता है एंड जब टेम्परेचर कूल cool होता है तो मसल्स सीवरिंग होता है मतलब कि हमें ठंड लगती है तो ये दो अलग अलग प्रोसेस की जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है वो सब काम करता है ये हाइपोथैलेमस उसके बाद जो लिम्बिक सिस्टम का जो सेकंड पोर्शन है जिसको हम कहते हैं लिम्बिक लोब तो लिम्बिक लोब जो है आर्क सेप रिजियन लिम्बिक लोब इज एन आर्क से ये देखो ये पर्पल कलर से पूरा दिखाया है कि ये वाला पोर्सन लिम्बिक लोब ये जो पूरा पर्पल कलर का जो पोर्सन दिखाया है नीचे की ओर भी वो फैलता है यहां से तो ये है लिम्बिक लोब का पूरा रीज़न फिर ये साइड लोब पेरिएटल लोब और आगे का ये फ्रंटल लोब और ये टेम्पोरल लोब तो ये लोब तो हमने देखे कि सेरेब्रम के जो अलग अलग लोब्स है बट सेरेब्रम के नीचे का जो पोर्शन है कि सेरेब्रम भ्रम हमने सीखा प्रीवियस लेक्चर में कि जैसे कि एक टाइप का वो कैप जैसा है तो उसके नीचे जो एक लोब है वो है लिम्बिक लोब तो लिम्बिक लोब इज एन आर्क सेप रीजियन तो इट इज वन ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पिन पॉइंट दिस इज योर

ब्रेन की जो हमारे ब्रेन होते हैं उसके जो सेरेब्रल हेमस्फियर है तो कोर्टेक्स ऑन द मेडिकल सरफेस ऑफ ईच सेरेब्रल कि वहां पे ये प्रेजेंट है कंसिस्टिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्रंटल पेरिएटल एंड टेम्पोरल लोब कि ये देखो वहा इसके आस, इसका जो कनेक्शन है कि ये लिम्बिक लोब है तो यहाँ पे उसका कनेक्शन फ्रॉन्टल लोब के साथ ही है ये साइड देखे तो पेरिएटल लोब के साथ भी है नीचे की ओर हम देखें ये तो टेम्पोरल लोब के साथ भी उसका कनेक्शन है एंड तो कंसिस्टिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्रॉन्टल पेरिएटल एंड टेम्पोरल लोब की जैसे कि हम कोई मैप देखते हैं तो मैप में देखते कि जो मध्य प्रदेश है सेंटर में तो मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर से कौन से अलग अलग स्टेट्स के साथ अटैच होती है वैसे ही आप देखो कि गुजरात है तो गुजरात की बॉर्डर ऊपर की ओर राजस्थान से अटैच होती है नीचे की ओर है महाराष्ट्र और साइड में मध्य प्रदेश तो वैसे ही ये जो लिंबिक लोब है तो उसका जो पार्ट है वो कौन से अलग अलग लोब्स के साथ टच होता है अटैच होता है तो एक तो पेरिएटल लोब हमने देखा फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब जबकि ये जो है ओसीपिटल लोब साइड में पड़ जाता है इसके साथ उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर एमसीक्यू पॉइंट कि लिंबिक लोब इज कंसिस्टिंग ऑफ पार्ट ऑफ द ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कि जिसमें आपको फ्रंटल लोब भी लिखा हो पेरिएटल टेम्पोरल और ओसीपिटल तो उस वक्त जो आपको एक्सेप्शन निकालना है वो रहेगा ओसीपिटल लोब बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड इट इज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द ओसिपिटाल लोब तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए लिम्बिक लोब में से फिर है हिपो फॉर्मेशन की जो हिपो जो हम कहते हैं तो हिपो का जो फॉर्मेशन होता है तो द टॉर्म हिपोफोम्पल फॉर्मेशन टिपिकली रिफर्स टू डेंटेट गायरस कि हिपो फॉर्मेशन से पहले हिपो फॉर्मेशन को समझना ज़रूरी है तो ये वाला समझिए ये वाला जो रीजन दिखाया है डेंटेट गायरस कि ब्रेन का ये पोर्शन यहाँ पे दिखाया है दिस वन कि ये मैं रेड पूरा ये बताओ, दिस वन डेंटेट गायरस और ये आगे जाके प्रॉपर जनरेट करता है हिपो तो द हिपो proper in example cornu ammonis and the subicular cortex ki jo region mein ye padta hai to hippocampal formation is located in the temporal lobe of each cerebral cortex ki cerebral cortex jo hai pura उसके कौन से लोब के अंदर ये एरिया अवेलेबल है आया हुआ है तो it is a temporal तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन ऑफ द पिन पॉइंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिपो कैंपस मीन्स सी हॉर्स की जो ग्रीक वर्ड है सी हॉर्स की जो हम कहते हैं कि जो सी हॉर्स होते हैं उसके जैसा ये सेप बनता है ये हिपो कैंपस का जिसके कारण उसको सी हॉर्स पर से उसका नाम पड़ता है हिपो तो हिपो हिपोकैम्पल हिपो फॉर्मेशन तो अब समझना है हिपो की हिपो कैंपस इज एन ब्रेन स्ट्रक्चर एबेंडेड डीप इन द टेम्पोरल लोब ऑफ इच सेरेब्रल कॉर्टेक्स की टेम्पोरल लोब ये वाला पॉइंट आपको खास याद रखना है कि डीप में जो टेम्पोरल लोब का जो रीजन है वहां पे ये कैंपस प्रेजेंट है तो ये देखो हिपो कैंपस की जहाँ पे उसका फंक्शन भी यहाँ पे मेंशन किया है कि मेमोरी एंड नेविगेशन तो ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि जिससे हम पूरा लिम्बिक सिस्टम भी समझ सकते हैं कि लिम्बिक सिस्टम के जो अलग अलग पार्ट्स की हमने देखा हाइपोथैलेमस कि जो थैलेमस के नीचे की जो कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर हंगर फॉर्टिक स्लीप वगैरह फिर अमाइज डाला हम आगे सीखेंगे उससे पहले हिपो कैंपस की जो मेमोरी और नेविगेशन के काम की जो रेड कलर का ये जो पूरा पोर्शन जो हमें बताया है ये वाला और ये एक आपको जो सी हॉर्स होते हैं मैं एक आपको डायग्राम दिखाऊं तो काफी इजी समझ में आएगा आपको ये वाला देखिए दिस वन कि जो हिपो का जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह से आपको ये पोर्सन देखने को मिलता है और वो कंप्लीटली आइडेंटिकल है सी हॉर्स कि जो पानी के अंदर जो हॉर्स होते हैं दरिया के अंदर जिसको हम सी हॉर्स कहते हैं ये वाला तो उसके कंप्लीटली आइडेंटिकल है ये हिपो तो इसी के कारण जो है उसका नाम पड़ता है हिपो कैंपस तो ये आपको अच्छे से याद रखना है जाते हैं मेन स्लाइड की ओर अब हमारी तो थैलेमस हाइप, हाइपो कैंपस के बाद ये थैलेमस का रीजन कि जो ये वाला जो डार्क रेड है उसके पीछे है ये वाला बाग कि मैं पर्पल कलर से आपको दिखाता हूं कि ये वाला जो है कि ये पर्पल वाला जो समझो कि रीजन है वो थैलेमस उसके नीचे वाला ये बाग मतलब कि हाइपोथैलेमस वो तो हमें पता ही है और ये जो पूरा रेड कलर का जो रीजन तैयार होता है रेड पोर्सन कि जो सेप में है सी हॉर्स जैसा तो वो है ये हिपो तो ये हिपो के पास जो मेन कंट्रोल है मेमोरी एंड नेविगेशन के थैलेमस रेगुलेशन करता है स्लीप को कॉन्सियसनेस को एंड ऑल्सो अल्टरनेस फिर बजल गैंगलिया कंट्रोल ऑफ मूवमेंट लर्निंग हैबिट एंड कॉग्निशन एंड इमोशंस एंड जो अमाइज़ी डाला है उसका फंक्शन है मेमोरी डिसीजन मेकिंग एंड इमोशनल रिस्पॉन्सिस तो जो आपको समझना है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम अ रीजन दैट रेगुलेट मोटिवेशन, इमोशन, लर्निंग एंड मेमोरी की जो जो है आ, काफी इंपॉर्टेंट रीजन है काफी इंपॉर्टेंट रीजन और इंपॉर्टेंट इसलिए हम कहते हैं कि उसका जो रेगुलेशन एक तो मोटिवेशन कि जब हम कुछ भी काम करते उस वक्त तो तो हमें प्रॉपरली मोटिवेशन मिलना जरूरी है प्लस उसके रिलेटेड जो हमें इमोशंस होते हैं प्लस हमारे ऑलरेडी जो हमारे बॉडी के अंदर जो इमोशंस है प्लस लर्निंग एंड मेमरी अब देखो कि आपको कोई अच्छे से मोटिवेट करता है उसके रिलेटेड आप प्रॉपर लर्निंग करते हैं और वो आप अच्छे से याद रखते तो ये क्या है कि जो किसी भी पर्सन की जो सक्सेस के लिए जो जरूरी चीज़ें है सक्सेस के लिए कि जब आपको आपकी ग्रोथ करनी है सक्सेस करनी है कि आपको इस तरह से आगे बढ़ना है जे कर्व की तरह कि स्टार्टिंग में भले स्लो पर ऑटोमेटिकली फिर आगे जाके आपका ये टॉप पे आप पहुँचे सक्सेस हो आपका तो उसके लिए आपको जरूरी है रेगुलरली मोटिवेशन मिलना तो आप मोटिवेट होते रहे उसके रिलेटेड आपके इमोशंस ऐसे हो आप लर्निंग करें एंड मेमोरी तो उसका जो रेगुलेशन है वो होता है हिपो के अंदर इसी के कारण ये जो हिपो का जो पोर्सन है वो हमारे ब्रेन के अंदर बन जाता है काफी इंपॉर्टेंट तो आगे सीखते हैं हिपो कैंपस के बारे में तो अ पर्सनस मेमोरी डिपेंड ऑन द हिपो कैंपस की जो मेमोरी है किसी भी पर्सन की कि जो याद सकती हम कहते हैं मेमोरी तो कहूंगा खास आपके रिकॉर्ड बुक के अंदर हाईलाइट करके आप लिख लें ये पॉइंट कि शॉर्ट टर्म मेमरीज टू लॉन्ग टर्म मेमरीज के अंदर ये पर्सन कन्वर्ट करता है मतलब की जो आपकी याद शक्ति है कि आपके जो शॉर्ट uh, टर्म कुछ मेमरीज थी वो लॉन्ग टर्म मेमरीज के अंदर प्रॉपरली स्टोर हो के लॉन्ग टाइम तक आपको फिर वो चीज़ जो है वो याद रखती है और वही इम्पोर्टेंस है कि आप कोई आप किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट होते हैं वो लर्निंग करते हैं आपके पास कोई स्किल है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमरीज में से लॉन्ग टर्म मेमरीज के अंदर अच्छे से स्टोर हो जाना जरूरी है और वो रेगुलेट करता है हिपो की

कि लोगों को प्रिवेंट करेगा कि जो भी पर्सन्स को ऐसा हुआ है तो प्रिवेंट द पीपल फ्रॉम बिल्डिंग न्यू मेमरीज थ्रू दे कैन स्टिल रिमेंबर इवेंट फ्रॉम पास्ट अब समझो ये पॉइंट क्या कर रहा है कह रहा है प्रिवेंट द पीपल फ्रॉम बिल्डिंग ए न्यू मेमरीज कि जब ये पोर्सन्स डैमेज होगा तो न्यू मेमरीज जो है वो स्टोर नहीं होगी प्रिवेंट हो जाएगा नई मेमरीज को बिल्डअप होना फिर भी थ्रो मींस फिर भी दे कैन स्टिल रिमेंबर इवेंट फ्रॉम पास्ट कि जो पास्ट कुछ मेमरीज थी वो याद आ सकती है उसके रिलेटेड जो भी पर्सन है वो रिएक्ट कर सकता है बट जो रिजल्ट है वो जो है वो प्रॉपर याद नहीं रहेगा तो डैमेज टू हिपो कैंपस कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम ऑक्सीजन स्टारवेशन कि जब किसी पर्सन का हिपो कैंपस डैमेज होता है तो हाइपोक्सिया जो हम कंडीशन कहते हैं ऑक्सीजन स्टार्वेशन ऑक्सीजन स्टारवेशन की जो कंडीशन की हाइपोक्सिया एंसेफेलाइटिस और मेडियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की ये जीर ये जो है हमें पता है कि टेम्पोरल लोब के रीजन में पड़ता है तो वो लोब की एपिलेप्सी जो है वो कर सकता है ये जब डैमेज होगा पीपल विथ एक्सटेंसिव बायोलिट्रल हिपोके्पल डैमेज में एक्सपीरियंस एंटेरोग्रेड एमनेसिया एंटेरोग्रेड एमनेसिया एमनेसिया तो हमें पता है कि मेमोरी लॉस को हम कहते हैं एमनेसिया मेमोरी लॉस तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस द एबिलिटी टू फॉर्म एंड रिटेन न्यू मेमरीज द एबिलिटी सॉरी द इनएबिलिटी मिस्टेक हुई बोलने में और फिर से समझिए आप एंटेरोग्रेड एमनेसिया की जो एमनेसिया मतलब कि मेमोरी लॉस हम कहते हैं तो ये कंडीशन अब क्या है तो ये वर्ड का जो मीनिंग है एंटेरोग्रेड एमनेसिया मतलब द इनएबिलिटी टू फॉर्म एंड रिटेन न्यू मेमरीज कि न्यू मेमरीज ना ही वो पर्सन फॉर्म कर सकेगा ना ही रिटेन होगी जस्ट जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि नई मेमरीज तो होने से प्रिवेंट ही हो जाएगी बट पुराना जो कुछ है वो याद रहेगा बट उसके आगे जो भी कुछ लाइफ होती है उसकी कोई भी मेमोरी जो है वो स्टोर नहीं होती तो ये कंडीशन है कि इनएबलिटी टू फॉर्म एंड रिटेन न्यू मेमरीज और ये कब होता है जब हमारा डैमेज होता है हिपोकैम्पस तो एमसीक्यू के लिए यह पॉइंट आपके लिए है प्राइम इंपोर्टेंट पॉइंट प्राइम इंपोर्टेंट मोस्ट आई एम पी से भी ऊपर मैं कह रहा हूं प्राइम इम्पोर्टेंट बिकॉज ये आपको खास याद रखना ही है कि एंटेरोग्रेड एमनेसिया कौन से पार्ट डैमेज होने से हो सकता है तो दैट इज ए कैंपस नेक्स्ट जो पोर्सन है अमाइज डाला कि आलमंड सेप मासिस ऑफ न्यूरोन और आइदर साइड ऑफ द लोअर एंड ऑफ हिपो तो टोटल कितनी है नंबर में दे आर टू तो इसे डाला टोटल नंबर ऑफ टू टोटल दो होती है उसका जो मॉर्फोलॉजी के अंदर सेप देखे तो सेप पिक्स लाइक ए आलमंड यहाँ पे अच्छी बहुत ही कलरफुल डायग्राम है कि जिसके अंदर आप देख सकते जो येलो वाला पोर्सन दैट इज ए थैलेमस यहाँ पे नीचे कीज दी हुई है तो ये वाला पोर्सन की जो येलो कलर है वो हम देख सकते हैं दैट इज ए थैलेमस फिर यहाँ पे दिखाया है दिस वन यू कैन सी तो दैट इज एमाइज डाला दैट इज एमाइजी डाला फिर ये वाला जो पोर्सन दैट वन दिस वन की जो आइज यहां पे इसीलिए देखा है क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये आगे का फ्रंट बाघ है इसलिए ये फ्रंटल लोब एंड पीछे का ये जो पार्ट है वो ओसीपिटल लोब तो द माइजी डालास आर टू आलमंड सेप मास टोटल कितनी है दो है आलमंड सेप इज तो ही दिस इज योर मोस्ट आई एम पी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज आलमंड सेप ऑफ ऑन साइड ऑफ द थैलेमस एट लोअर एंड ऑफ द हिपो कैंपस दैट इज ए अडा कि ये वाला देखो दिस इज द हिपो कैंपस तो हिपो के पास का जो रीजन पड़ता है वो है ये अमाइजेडाला तो देयर आर टू वन इन ईच हेमस्फियर और साइड ऑफ द ब्रेन की जो दो हेमस्फियर पड़ते हैं लेफ्ट और राइट दोनों की साइड एक एक ये अमाइजेडाला जो है वो प्रेजेंट होता है तो ये खास अच्छे से उसका लोकेशन याद रख लो आप कि थैलेमस और ये जो पोर्सन है हिपो के एकदम नजदीक में ये आया हुआ बाघ मतलब कि हिपो के आगे जो एक पोर्सन अटैच होता है कि समझो कि आप हिपो ड्रॉ करते हो और उसके पास जो एक पोर्सन अटैच है वो है अमाइज़ेडाला डाला तो ये डायग्राम देखकर आपको कुछ समझ में आएगा कि जो मैं समझाता हूं आपको अब कि अमाइज डाला का जो फंक्शन है तो वेन इट इज स्टिम्युलेटेड इलेक्ट्रिकली कि जो से वो बना है वो न्यूरॉन्स जब इलेक्ट्रिकली स्टिम्युलेट हो जाती है तो क्या होता है एग्रेशन। एग्रेशन की ये देख सकते हैं कि बिटवीन द टू पीपल देयर इज एग्रेशन बिहेवियर एंड ऑल्सो द रेज कि जो गुस्सा होता है एक दूसरे के प्रति कि समझो कि, कि किसी ने आपको कुछ मारा तो उसका बदला लेने के लिए तुरंत आप सामने उसको ऊपर भी अटैक कर देते हैं तो एग्रेशन एंड रेज की जो कंडीशन है वो कंट्रोल होती है बाय अमाइजी डाला सो व्हेन इट इज स्टिम्युलेटेड सबसे पहले यही पॉइंट आप अच्छे से आपके माइंड में फिट कर लीजिए कि व्हेन इट इज स्टिम्युलेटेड कि जब अमाइजी डाला का जो न्यूरॉन्स स्टिम्युलेट होती है इलेक्ट्रिकली वी रिस्पॉन्ड विथ एग्रेशन की प्रॉपर एग्रेशन हमारे अंदर आ जाता है और मारपीट करने लग जाते हैं किसी के साथ या फिर जो हमारे अंदर जो कोई रेज होता है गुस्सा होता है क्रोध होता है वो तुरंत ही बाहर निकलता है और जो है वो एग्रेशन बिहेवियर प्रोड्यूस हो जाता है एंड इफ द अमाइजाला इज रिमूव If the is removed, we get very tame and no longer respond to this thing that would have caused rage before. रिमूव कर दिया गया है आपके ब्रेन में से तो अब आपको वो फीलिंग्स ही नहीं होगी aggression वाले और ना ही आपको वो कुछ याद होगा कि गर रिस्पोंड टू दिस थिंग्स दैट वुड हैज रेज की जो रेज जो गुस्सा क्रोध होने का जो कोजेस थे रीजन थे वो ही आप अब भूल जाते हैं तो समझो कि अभी ये पर्सन के साथ आप जो है वो मारपीट कर रहे हैं कि दिस इज पर्सन है एंड दिस इज यू पर्सन बी तो अभी आपकी उसके साथ मारपीट हो रही है समझो कि कुछ समय के बाद आपका अमाइज डाला जो है वो रिमूव कर दिया गया है उसके बाद आपको किस रीजन से आपको उसके ऊपर गुस्सा था कौन से रीजन से आपका उसके साथ झगड़ा हुआ था या फिर आपको रेज था देर वॉज नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड अबाउट टू दैट थिंग तो ये है अमाइज डाला द अमाइज डाला इज ऑल्सो लाइज इन फीलिंग्स एंड डिस इमोशंस एस्पेसली द फियर तो हमारे से डाला इज ऑल्सो लाइज इन फीलिंग्स कि जो हमारे फीलिंग्स एंड डिस्कर्निंग इमोशन एस्पेशली अबाउट द फियर तो ये था रेगुलेशन बाय द अमाइजे डाला फिर और इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि इट इज द मोस्ट स्टिम्युलेटेड बाय इवेंट्स अपॉन विच अ पर्सन सर्वाइवल डिपेंड्स कि समझो कि मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे जरूरत पड़ेगी फूड एंड वाटर की फूड एंड वाटर की कि एक समय के लिए कि कि मेरे पास मोबाइल नहीं होगा इंटरनेट नहीं होगा प्रॉपर समझो कि रहने के लिए घर नहीं होगा तो भी चलेगा बट समझो कि मुझे फूड एंड वाटर नहीं मिलता तो कांट सर्वाइव तो ऐसे ही कोई भी Uh, जो पर्सन है उसको सब सर्वाइव करना है कोई भी स्पीसीज कोई भी एनिमल तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है फूड एंड वॉटर तो इट इज द मोस्ट स्टिम्युलेटेड बाय इवेंट्स अपॉन विच ए पर्सन सर्वाइवल डिपेंड सच ए दोज दैट वॉर्न एंड डेंजर और डिस्ट्रेस एज वेल एज दोज

माइजेडाला की जो एक पोर्सन है ऑफ ए लिम्बिक सिस्टम सो दिस कॉम्बिनेशन इज सीन मोस्ट फेमसली इन पावलोस एक्सपेरिमेंट अब ये पॉइंट आपको एमसीक्यू के अंदर पूछा सकता है इसलिए मैंने यहां एक जस्ट आपके लिए पॉइंट इंक्लूड किया है कि डाला का जो कॉम्बिनेशन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कि यहां पे हमने देखा ये वाले स्लाइड में कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द माइज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेमरी एंड इमोशंस की जो आपकी मेमरी है याद शक्ति है एंड आपकी इमोशंस है तो दिस कॉम्बिनेशन इज सीन मोस्ट फेमसली इन पावर हाउस एक्सप्रेट इन क्लासिकल कंडीशन एंड ऑल्सो इन फीयर कंडीशन वेर द सब्जेक्ट रिमेंबर्स एंड रिएक्ट टू स्टिम्यूली बी दे पॉजिटिव न्यूट्रल और नेगेटिव के समझो कि ये जो डॉग पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके अंदर प्रॉपरली उसको यहाँ पे बांध के रखा हुआ है कि जिसको उससे उसको कोई सी भी तरह का हर्ट ना हो इस तरह से प्रॉपर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो यहाँ पे जस्ट स्टिम्यूलिक जो है के सामने की जो स्टिम्यूलिक जो एक्सटर्नल जो भी कुछ फैक्टर्स होंगे उसके सामने जो भी आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट के तौर पे समझो कि ये है ये डॉग है हमारा तो दैट इज अ सब्जेक्ट तो ये जो सब्जेक्ट है वो रिएक्ट करेगा स्टेमले के सामने तो समझो कि उसके सामने उसका फेवरेट मीट रखा हुआ है कि कंटेनर ऑफ मीट पाउडर ये है सामने ऑब्जर्वेशनल स्क्रीन और यहाँ पे जो उसके सलाइवरी ग्लैंड्स के पास का जो पोर्शन है वहां पे से पाइप से ट्यूब फॉर कलेक्शन ऑफ सलाइवा यहाँ पे सलाइवा उसकी कलेक्ट होगी एंड डिवाइस टू काउंट ड्रॉप ऑफ सलाइवा और वो अटैच है ये ड्रम के साथ कि जो रिवॉल्विंग ड्रम रिकॉर्ड करता है रिस्पोंसेस तो अलग अलग जब कंडीशंस होगी कि, कि कुछ कंडीशन आप उसके सामने फियर वाली लाते हैं व उसके सामने ये फेवरेट फूड तो है ही बट कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जो फियर होता है या फिर विदाउट फियर, नॉर्मल कंडीशन या फिर एबनॉर्मल कंडीशन तो उस वक्त सलाई व सिक्रेशन में क्या फर्क पड़ता है तो वो जो है वो ये एक्सपेरिमेंट से चेक होता है कि दे शुड बी पॉजिटिव कि स्टिम्यूले के सामने पॉजिटिव रिएक्शन होता है न्यूट्रल रहता है या फिर नेगेटिव आता है अलग अलग कंडीशंस के अंदर तो वो चेक किया जाता है बाय दिस एक्सपेरिमेंट तो ये एमसीक्यू शायद पूछा जाए आपको तो याद रखना होगा कि मई से डाला के लिए पावल एक्सपेरिमेंट एक टर्म याद रखो आप अब देख लेते थे समरी की जो लिम्बिक सिस्टम की तो द लिम्बिक सिस्टम इज अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर इन द ब्रेन दैट डील्स विद द इमोशंस एंड मेमरी तो इन शॉर्ट हम लिम्बिक सिस्टम को शॉर्ट में समझो कि आपको याद रखना है तो एक ही चीज ज्यादा फोकस होती है तो इमोशंस एंड कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर होती है उसके पोर्स डैमेज होते हैं जब लिम्बिक सिस्टम के तो डायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है कोई भी पर्सनस के मेमोरी के ऊपर इमोशंस के ऊपर उसके फर्क पड़ जाता है काफी देन इट ऑल्सो रेग्युलेट द ऑटोनॉमिक एंड एंडोक्राइन फंक्सन्स इन रिस्पॉन्स टू इमोशनल स्टिम्युली कि जो हमारे अलग अलग इमोशनल स्टिम्यूलिज होते हैं उसके सामने रेग्युलेट होते हैं ऑटोनॉमिक एंड एंडोक्राइन फंक्सन एंड ऑल्सो इज इन्वॉल्व इन रिनफोर्सिंग बिहेवियर तो ये सेकेंड वाला पॉइंट आप अच्छे से समझो कि फर्स्ट पॉइंट थे इमोशंस एंड मेमरी सेकेंड पॉइंट की इट रेगुलेट्स ऑटोनॉमिक और एंडोक्राइन फंक्शन ऑटोनॉमिक और एंडोक्राइन फंक्शन को रेगुलेट करता है बट कब इन रिस्पॉन्स टू इमोशनल स्टिम्यूली कि जब कोई ऐसे इमोशनल कंडीशन प्रोड्यूस होती है और वो आपका माइंड इंटरप्रेट करता है और उसके सामने जो ऑटोनॉमिक और एंडोक्राइन फंक्शन होते हैं वो रेगुलेट होते हैं लिंबिक सिस्टम से एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन मोटिवेशन इमोशन लर्निंग एंड मेमरी की जिसके कारण हमारा मेन इम्पोर्टेंट पोर्सन बन जाता है हमारे ब्रेन का तो ये था डिटेल में स्टडी की हमने लिम्बिक सिस्टम के बारे में उसके अलग अलग पार्टस और उसके फंक्शंस के बारे में तो ये जो लेक्चर सीरीज है वो कंटिन्यू रहेंगी रिगार्डिंग द नर्वस सिस्टम और आगे का जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा पार्ट सेवन वो होगा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पोर्शन के ब्रेन के बाद नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड उसके पार्ट्स एंड फंक्शन तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर जो अलग अलग कि आप समझो कि उसका टीएस लेते हैं साइड में से तो ये वर्टिब्रल कॉलम और वहां पे हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड और उसकी ये अलग अलग स्पाइनल नर्व्स कि ये जो अलग अलग टोटल अराउंड थर्टी वन पैर होती है स्पाइनल uh, नर्व्स की तो वो भी हम सीखेंगे एज वेल एज ब्रेन की जो क्रेनियल नर्व्स है वो भी आगे जाके हम सीखेंगे एंड डिटेल में पहले स्टडी करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की उसके अलग अलग पार्ट्स उसके रिलेटेड जो उनके फंक्शंस जो है वो हम जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे ऑफ द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पार्ट सेवन ऑफ दिस नर्वस सिस्टम सो जरूर से व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइए आप नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपका नाम लिखना है सिटी नेम लिख के यह नंबर पे व्हाट्सएप करने से आपको डिटेल्स मिल जाएगी ज्वाइनिंग की ऑल्सो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल मोबाइल ऐप भी यूज़ करेगी जिससे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी वीडियो लेक्चर मिलेंगे एंड स्टडी मटेरियल की जो लेक्चर के पी होती है वगैरह आपको मिल जाएगा ऐप की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है एंड्रॉयड या पेन आईफोन दोनों के लिए यूज कर सकोगे आप कैसे नहीं कि सिर्फ एंड्रॉयड में ही चलेगी आईफोन यूजर्स भी इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं सो टेस्ट सीरीज के लिए आप कांटेक्ट करिए नाइन फार्मारॉक्स का स्टडी मटेरियल आपको अच्छे से मिल जाएगा टेस्ट सीरीज एंड ऑल्सो द मच मोर तो गेट दिस ऐप ऑन Android app on Google Play as well as Apple iPhone app on App Store. Links are given in a description box.